क्या सर, लास्ट क्लास में जो आप क्वेश्चन की थे उसका एक आंसर बता दीजिएगा ना। क्वेश्चन क्या था? दो कर्व सरफेसेस था, एक लंबा सा था क्यूब टाइप का, जो बताना था रेंज ऑफ म्यू फॉर विच ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल, फाइनल इमेज इज रियल। रेंज शायद आंसर आता है 4 to 9। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। भी का जो आंसर आया वो आएगा 9 - 4 μ r अपॉन 9 μ - 2। ठीक है, फॉर रियल इमेज ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो म्यू जो आएगा 2 to 9/4। ठीक है, फॉर रियल इमेज क्या करना है? फॉर रियल बी ग्रेटर देन इमेज जीरो वी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 9 - 4 μ तो आ गया था, लेकिन नीचे का टर्म फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चेक करना। यस सर। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, उसके बाद इनइक्वलिटी शायद बोलते हैं मैथ्स में, वही सॉल्व करना है। ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप रखा हुआ है ठीक है, सिलेंड्रिकल है, क्वार्टर सिलेंडर कह सकते हो। इधर से हम देखेंगे तो स्फीयर दिखता है उसका, पूरा उसका 1/4 पार्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हटाए देते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट पी पे, ऑब्जेक्ट है यहाँ से, इसका दूरी जो है एम आर है, ये दूरी। सिलेंडर का 1/4 पार्ट है। हाँ, जैसे सिलेंड्रिकल अगर रॉड देख रहे हैं तो उसका 1/4 अगर कट करेंगे लॉन्ग तो पार्ट है। ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू जो है 1.5 है, यानी 3/2। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड पी, फाइंड एम सो डेट रे बिकम्स पैरेलल टू द टेबल। ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है, पी से अगर रे जा रहा है तो एम का वैल्यू बताना है कि जो रे है पैरेलल हो जाए।
हो गया। देखो ऐसे अगर हम लोग चाहे तो कर तो सकते ही हैं, ठीक है। सोचने का एक नया तरीका भी बोल रहा है। हो गया क्या किसी का? देख लो, ठीक है। ये जो रे इधर से गया है, यहाँ पे कुछ बेंड होगा जिस जो लगेगा कि इस सरफेस कर्व सरफेस के लिए यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज है, हम इसको चाहें तो ये समझ सकते हैं कि रे जो है इधर से आ रहा है, यानी कि अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे सर तो अपने 8/3 पाथ हम्म, 8/4/3 है। देखते हैं, ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो रे जा रहा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी कि हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इसकी पाथ को रिवर्स कर दिए, तो ये इधर आएगा फिर यहाँ आके पी पॉइंट पे आ जाएगा। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमको यहाँ पे जब फर्स्ट केस देख रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रेक्शन, फर्स्ट रिफ्रेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि कर्व सरफेस से, ठीक है, उल्टा देख रहे हैं। तो इसके लिए अगर यू की बात करें तो हमको दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट, ये जो होगा इसके लिए, ये जो होगा वी होगा, ठीक है। वी हमको पता नहीं है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं तो आर इज इक्वल टू प्लस आर है। हम रख लिखते हैं, ये जा रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू बाई वी माइनस 1/∞ इक्वल टू 4/3, 3/2 डायरेक्ट रख रहे हैं, माइनस 1/r, यहां से जाएगा 3/2/v इजकल टू 1/2r, यानी कि v इजकल टू 3r दिख रहा है, ठीक है। v 3r हो गया यहाँ पे, ये अगर हमको पता चल गया तो अब हमको आसानी से कैलकुलेशन जो है हमारा आसान हो जा रहा है। अब सेकेंड सरफेस के लिए देखते हैं, फॉर सेकेंड सर्फेस, सेकेंड सर्फेस जिधर से मन उधर से देख सकते हो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड सर्फेस हम बोल रहे हैं प्लेन सर्फेस, क्योंकि हम उल्टा सोच रहे हैं। तो उल्टा सोच रहे हैं तो जो रे आ रहा है कहाँ से जा रहा है? ग्लास से एयर में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? डी अपेरेंट इजकल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी होता है। डी अपेरेंट कितना है, म्यू टू क्या है, तो एयर है 3/2, और ये कितना आ रहा है 3r, यानी कि आ जा रहा है हमारा 2r, ठीक है। ये चीज आ रहा है,
अच्छा, इस सरफेस से 3r - r 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से v इज इक्वल टू 3r है, तो इस कर्व्ड सरफेस से है, कर्व सरफेस से है, तो प्लेन सरफेस से अगर निकालेंगे तो प्लेन सरफेस से इसका डिस्टेंस 2r आएगा, ठीक है। तो d जो है 2r है, तो ये आ जा रहा है 4r/3। अब कंपेयर कर लो, सिंस 4r/3 इज इक्वल टू क्या है, एम आर, दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। यानी कि सीधा भी जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो, होगा कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लाइट के पाथ को, डायरेक्शन को रिवर्स कर देते तो पाथ को रिट्रेस करते प्रॉपर्टी। एक स्फेयर है जिसको हम इधर से पेंट कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि सिल्वर्ड है। बोल रहा है कि एक रे है यहां से, ऐसा अगर इसका सेंटर है, यहां से अगर मिलाते हैं तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, बोल रहा है कि नेट डेविएशन एट सिल्वर्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नेट डेविएशन बाय रे, ठीक है। रे का जो टोटल डेविएशन का 1/3 जो है सिर्फ सिल्वर सरफेस से, फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि ये रे जा रहा है, मिरर पे टकरा रहा है, मिरर पे टकरा के फिर बाहर आ रहा है, तो टोटल कुछ डेविएशन आएगा, उस टोटल डेविएशन का 1/3 सिर्फ मिरर से डेविएट हो रहा है, तो पता करना है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है। मेरा जितना डेविएट किया वो रे जितना टोटल डेविएट किया है उसका 1/3 है। मिरर डेविएट किया है सिल्वर सरफेस, उसी को बोल रहे हैं टोटल डेविएशन का 1/3।
या दो बार ये फैक्ट हुआ, ये तो कंसिडर किए ही नहीं थे कि मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा था। आर 120 तो नहीं आना चाहिए। कितना आ रहा है? कुछ देखते हैं। रे ट्रांसमिटेड एट द सरफेस नेट। ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन ये है, लिख दिए थे, बोल रहे कि नेट डेविएशन ऑफ ट्रांसमिटेड रे एट सिल्वर्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नेट डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एट सिल्वर्ड सरफेस। अब आ जाएगा, ठीक है, नहीं कि सिर्फ सिल्वर सरफेस को देखना है, बाकी सबको भूल जाना है। बाकी अगर दिया रहता है इसमें रिलेशन तो हम लोग ऐसे कर लेते, ठीक है, टोटल का अगर रिलेशन दिया होता तो यहाँ से ये हमको दिखा कि आर जो है 120 नहीं हो सकता है, 60 से कम होना चाहिए था, इसलिए फिर से क्वेश्चन देखे। तो यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट ट्रांसमिटेड सिल्वर्ड सरफेस, यानी सिल्वर सरफेस पे पार्शियली वो सिल्वर्ड है, ठीक है, ये जो है पार्शियली सिल्वर्ड है, यानी कि इस पे जो भी रे आया है वो कुछ जो है ट्रांसमिट भी करेगा और कुछ जो है रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका पूछ पूछ रहा है। तो यहाँ से ये आर आर से है तो ये 60 ही आएगा, तो डेल्टा ट्रांसमिटेड की बात करें तो हमको दिख रहा है 60 - R क्लॉकवाइज, और डेल्टा रिफ्लेक्टेड की बात करें तो ये दिख रहा है हमको π - 2R, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब फाइंड कर सकते हैं कि हमसे बोल रहा है कि 60 - R जो है 1/3 ऑफ π - 2R है, तो फिर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ गलत ही दिया है, 180 - 3R 81। नो सॉल्यूशन आ जा ठीक, स्टेट एक बार है, इफ द नेट डेविएशन ऑफ द रे ट्रांसमिटेड एट द पार्शियली सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है, डेविएशन ऑफ द रे ट्रांसमिटेड एट द पार्शियली सिल्वर्ड सरफेस इज 1/3 ऑफ द नेट डेविएशन सरफेस सर्वड बाय द रे रिफ्लेक्टेड एट पार्शियली सिल्वर सरफेस आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द स्फेयर, फाइंड द रिफ्रेक्टिव सफर्ड बाय द रे रिफ्लेक्टेड एट द पार्शियल सिल्वर सरफेस आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द स्फेयर, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ स्फीयर, तभी इसको भी लग रहा है ले ले रखा है, देखो देखते हैं आता है कि नहीं, तब भी तो वही आ रहा है, ठीक है, यही कह रहा है। तो ये चीज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 - 3R इक्वल टू, फिर भी तो वही है, पूरा क्वेश्चन दिखाइए ना, लिख नहीं पाए पढ़ने से। हाँ ठीक है, हम ग्रुप में भेजते हैं। सब देख लो, और अब ट्राई करना घर पे, ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार और ट्राई करना, सर लैंग्वेज लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिए हूँ, ठीक है।
में गड़बड़ी दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, R 120 नहीं आएगी, बाकी देख लेना। म्यू का वैल्यू √3 आ रहा है, हमको तो लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ रहा है, बाकी लोग अपना देख लो। और कुछ तुम लोग को आ रहा है तो बोलो। ठीक है, इसको ट्राई करना। ठीक है, रेशियो शायद हमको लग रहा है क्वेश्चन में गलत दे रखा है, इसलिए वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है। बाकी अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम हर रे का जो है डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। हर रे का डेविएशन फाइंड कर लिए, फिर जो भी रिलेशन दिया है उस पर हम बैठा लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग लेंसेस के बारे में, ठीक है, अगर हमको लेंस दिया रहे तो लेंस क्या होता है, उससे इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं, तो उन सब के बारे में। तो हम लोग को थिन लेंसेस ही पढ़ने हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थिन लेंसेस डिफिनेशन हम नहीं लिख रहे, डिफिनेशन क्या होगा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, लेंस जो होता है अगर हम इसको बना रहे हैं तो डिफरेंट टू सर्फेसेस से बना होता है, तो बेसिकली ये दो स्फेयर से मिलके बना होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक स्फेयर ऐसा है और एक स्फेयर ऐसा है, ठीक है, ग्लास का सॉलिड स्फेयर था और ये सॉलिड स्फेयर को मिलाकर हम ये दो पोर्शन कट कर लिए, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो सर्फेस है इसके लिए रेडियस इधर आर होगा, इसको R1 बोल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं कि R2 होगा। ठीक है, दोनों का ये सेंटर होगा कहीं, तो इस दोनों सरफेसेस के लिए रेडियस R1 R2 बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम डिफरेंट माने। हो सकता है कि ये दोनों स्फेयर को हम ग्लास ऐसे रहता और हम ऐसा स्फेयर कट करे होते। ठीक है, यानी कि ग्लास सॉलिड ग्लास था, इसमें से पूरा हम ये दो स्फेयर कट कर लिए, तो हमको एक ये रेडियस मिलता, एक रेडियस ये मिलता। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि अगर रे इधर से जा रहा है, इसमें भी अगर इधर से जा रहा है, तो हमको ये ऐसा एक पोर्शन मिल रहा है और ये जो मिल रहा है हमको ऐसा एक पोर्शन मिल रहा है। इसमें जो रे है ऐसे गया, यानी कि ये जो साइड है हमको दिख रहा है कन्वेक्स साइड है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कन्वेक्स सरफेस है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं, ये सरफेस जो है कन्वेक्स है। कन्वेक्स सरफेस पे यहाँ पे ये जो है कनकेव है, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस, इसका नाम देते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, यानी कि अगर रे जैसे सरफेस पे पड़ रहा है वैसे ही हम लोग इसका नाम देते हैं। और तो और ये जो रे इस पे पड़ता है ऐसे जा रहा है तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाता है, और इस पे जो रे जाता है वो इधर की तरफ चला जाता है, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि रे को ये कन्वर्ज कर रहा है, ये जो रे को है डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको और हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि जो लेंस बना हुआ है उसके दो सर्फेसेस हैं और दोनों का रेडियस है, तो डिपेंडिंग ऑन द रेडियस, यानी कि रेडियस में रिलेशन के बीच में जो डिपेंड है उस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेक्स और कनकेव लेंसेस देखते हैं। तो टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स किसको कहेंगे, जब R1 = R2 हो जाए,
यानी कि ऊपर के जो हम रेडियस दिखा रहे हैं दोनों रेडियस इक्वल हो जाए तो बाई कन्वेक्स कहेंगे, इसमें हम बोलते हैं बाई कनकेव, यानी कि आर वन जो है आर टू के बराबर हो मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम उसको बोलेंगे बाई कन्वेक्स लेंस। सेकेंड, प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है, या फिर प्लेनो कनकेव, यानी कि अगर इस प्रकार का अगर हमारा लेंस रहा ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, तो हमको एक सरफेस दिख रहा है कि प्लेन है, जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस हमको दिख रहा है कि इन्फिनिटी है, इसका कुछ रेडियस आर डैश रहा होगा, वैसे ही इसका भी रेडियस कुछ होगा, इसका रेडियस जो है इन्फिनिटी है, ठीक है। यानी कि अगर एक सरफेस जो है प्लेन है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, एक सरफेस कन्वेक्स है, एक सरफेस प्लेन है, इसलिए प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस कनकेव है, एक सरफेस प्लेन है, इसलिए प्लेनो कनकेव। थर्ड, ठीक है, एक ऐसा सरफेस है, दूसरा ऐसा स्फेयर है, ठीक है, यानी कि इसको कट करके निकालेंगे तो ऐसा हमको मिलेगा एक लेंस इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके का अगर हमको लेंस मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अगर वही ऐसा हो, यानी कि ये भी सिमिलर ही है ऊपर वाले जैसा ही, लेकिन कनकेव के लिए, थर्ड, ये शेप इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को देखना है कि किसका रेडियस किधर की तरफ है, क्योंकि आगे चल के हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने वाले हैं, तो रेडियस पे डिपेंड करता है, इसका सेंटर यहाँ, इसका, दोनों का सेंटर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ऐसा हमको दिख रहा है, यानी कि एक साइड से हमको कनकेव शेप दिख रहा है, एक साइड से कनकेव कन्वेक्स शेप, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्सो कनकेव कनकेव लेंस, ठीक है। तो ऑन द डिपेंडिंग ऑन द सरफेस कि दोनों सरफेस कैसा है उस पे डिपेंड करता है, अगर आर वन आर टू नहीं है तो डायरेक्टली कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, दोनों इक्वल है तो बाई कन्वेक्स, अगर कहीं कुछ नहीं कहा गया है दोनों के रेडियस के बारे में तो हम बाई कन्वेक्स ही समझते हैं। प्लेनो कन्वेक्स यानी कि अगर एक सरफेस कोई सा भी प्लेनर है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यों प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव लेंस है, अगर एक सरफेस हमको दिख रहा है कि कनकेव है, एक सरफेस कन्वेक्स है इस तरीके का जैसा फर्स्ट वाले फिगर में है, तो उसको कनकेवो कन्वेक्स, सेकंड है तो कन्वेक्सो कनकेव, ये नाम हो गया दोनों का अलग अलग फॉर्म पे डिपेंड, यानी कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैसे हैं उनके बेसिस पे ये नाम है, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग इन नेचर है तो उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग इन नेचर है तो उसको डाइवर्जिंग। नोट ऑल्सो लेंसेस आर रिप्रेजेंटेड एट, ठीक है, ऐसा लेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। कहीं अगर फिगर ऐसा दिख रहा है तो घबराना नहीं है, ये हमको बोल रहा है कि ये कन्वेक्स है और ये बोल रहा है कि ये कनकेव लेंस है, ठीक है। अगर ऐसे फिगर दिखते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा फिगर कनकेव लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इस पे कुछ डिफिनेशंस, तो डिफिनीशंस में क्या है, फोकस ही है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, तो फोकस
फोकस में दो तरह के फोकस हैं, एक तो प्राइमरी फोकस और एक है सेकेंडरी। ठीक है, एक प्राइमरी फोकस, एक सेकेंडरी फोकस। तो किसको कौन सा कौन कहेंगे उस चीज के बारे में देखते हैं। अगर हमारे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स, कैसा, अगर हम लेट से कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखें, ये ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा रे गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे पैरेलल हो गया, तो ये जो पॉइंट है इसको हम फोकस बोलेंगे और ये होगा प्राइमरी। यानी कि अगर डिफिनेशन हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द प्राइमरी फोकस, तो हम बोलेंगे किसी भी लेंस के लिए अगर वो पॉइंट जहां पे हम ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं और रे वहां से जाकर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं, तो जो कहलाएगा प्राइमरी फोकस कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास कनकेव लेंस होता तो इस केस में क्या होता कि ऐसे रे आ रहे होते, ठीक है, लग रहा होता कि यहाँ पे जाके मीट करेगा, जहां पे भी इंसिडेंट रे मीट करता है वहीं ऑब्जेक्ट होता है आफ्टर रिफ्रेक्शन पैरेलल हो गया, तो इस केस में ये जो होगा प्राइमरी फोकस होगा। ठीक है, दिख रहा है कि इस केस में जो है रियल है, यानी कि कन्वेक्स कनकेव की कन्वेक्स की केस में जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, कनकेव की केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी फोकस। सेकेंडरी, अगर हम ये लेंस माने और बोल रहे हैं कि इस पे एक पैरेलल रे आया, ठीक है, और ये आफ्टर रिफ्रेक्शन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फोकस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, एंड इट फोक एंड दिस फोकस इज कॉल्ड सेकेंडरी। ठीक है, यानी कि ध्यान रहे, फर्स्ट प्राइमरी किसको कह रहे हैं कि जहां से रे जाए और आफ्टर रिफ्रेक्शन पैरेलल हो जाए तो होगा प्राइमरी, और अगर पैरेलल रे जाके जहां मीट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी। इस केस में क्या होगा, तो रेज जो है पैरेलल है आफ्टर रिफ्रेक्शन, ये ऐसा चला जा रहा है तो यहां से कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाएगा फोकस, इसमें इधर सेकेंडरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी फोकस। हम कैलकुलेशन में जो फोकल लेंथ यूज करते हैं वो सेकेंडरी फोकल का फोकस का ही लेंथ यूज करते हैं, इसके लिए फोकल लेंथ कहेंगे, इसके लिए ये फोकल लेंथ कहेंगे। यानी कि फॉर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से पास हो या फिर अपियर टू पास हो, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट जो है सेकेंडरी फोकस है, और सेकेंडरी फोकस का ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेते हैं हम लोग वो फोकल लेंथ कंसिडर करते हैं। क्लियर है, इतना बात में किसी को कष्ट है तो बोलो, ये तो बेसिक बेसिक चीजें ही हैं। नो सर। ठीक, अब है रूल्स फॉर डेफिनेशन, हम लिख नहीं रहे क्योंकि बचपन से तुम लोग जानते हो, फिर बुक पढ़ लेना। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्या क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल, इसके लिए भी फिगर ही बना रहे, फर्स्ट रूल डिफिनेशन ऑफ फोकस, यानी कि अगर रे पैरेलल टू फोकस प्रिंसिपल एक्सिस आए, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से पास करेगा फोकस। ठीक है, कंकेव के लिए भी अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं,
सेकेंड, अगर रे फोकस से जाए, यानी प्राइमरी फोकस से जाए, ठीक है, अगर कोई रे जो है इस प्राइमरी फोकस से जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड, इफ अ रे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है तो ये विदाउट डेविएटेड जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो है डिफिनेशन ऑफ फोकस है कि इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं कि वो फोकस से जाएगा। सेकेंड है कि हम अगर रे को फोकस से पास करें तो आफ्टर रिफ्रेक्शन ये बिकम पैरेलल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का ही हम कह रहे हैं कि अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगा, वही कह रहे हैं। थर्ड जो बोल रहे हैं, थर्ड वही है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है तो विदाउट डेविएटेड जाएगा। ये छोटी से पोर्शन देखते हैं तो हमको ये फ्लैट सरफेस दिखता है, थिन प्रिज्म है, तो वहां पे हम लोग डिफ्लेक्शन को नहीं मानते। अकॉर्डिंगली हम लोग कनकेव के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल आया तो ऐसा जाएगा, लगेगा कि ये फोकस से जा रहा है। दूसरा, अगर हम फोकस से ले जा रहे हैं तो आफ्टर जो है लगेगा कि पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। और तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से कोई रे गया तो विदाउट डेविएटेड चला जाएगा, यानी कि एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। सारे जो है थिन प्रिज्म के लिए बात हो रहे हैं, पैरेक्सल रेज के लिए बात हो रहे हैं। इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों के लिए। तो पहला है कन्वेक्स, इसके लिए 6 केसेस आते हैं, और कनकेव, इसके लिए 2 केसेस आते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना है, होमवर्क है, ठीक है। सारे डेटाग्राम बना के चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रहा है। हो जाएगा, नहीं आता है किसी को तो बोलो ये। हेलो, हो हो जाएगा जाएगा सर। सर, ठीक है। बस हम लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स के लिए लिख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है माइनस इन्फिनिटी पर रहा तो इमेज कहाँ बनेगा, प्लस एफ पे, यानी कि एट सेकेंडरी फोकस, साइन के साथ समझ जाना है। साइज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस इन्फिनिटी टू 2f आता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, 2f आता है, तो ये कहेंगे कि प्लस एफ से प्लस 2f तक जाएगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एट 2f रहेगा तो इमेज भी 2f पे, ये प्लस 2f, ये माइनस 2f। साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस 2f टू माइनस f की बात करें तो यहां पे हम बोलेंगे प्लस 2f टू प्लस इन्फिनिटी इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। एट माइनस एफ तो प्लस इन्फिनिटी, माइनस एफ के जस्ट
लेफ्ट साइड रहेगा तो प्लस इनफिनिटी, जस्ट राइट साइड जाएगा तो माइनस इनफिनिटी एनलार्ज्ड, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। माइनस एफ टू ऑप्टिकल सेंटर रहेगा तो ये माइनस इनफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर बनेगा, और कैसा बनेगा, इनलार्ज बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो 2f को सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों नहीं बोलते हैं? इसमें दो दो सेंटर्स आ रहे हैं और वो आर एफ का डबल नहीं आता है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ जो सर्कुलर स्फेरिकल पार्ट है उसका सेंटर पे नहीं आता, इसलिए क्यों नहीं आता है सर? फोकस का फॉर्मूला देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर प्लस इन्फिनिटी जाते हैं तो इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस प्लस एफ तक जाता है, और ये जो इमेज बनता है डिमिनिश्ड बनता है और इरेक्ट बनता है। तो इरेक्ट अच्छा, तो उसमें और होगा। रियल एंड इरेक्ट और ये वर्चुअल डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट का केस है ना? हाँ ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाकी सब रियल ऑब्जेक्ट के केस था, ठीक है। सबका हमको पता है, एक नहीं पता है तो हम आराम से उसको बना ली, ठीक है। ये वेरिएशन तुम लोग फिर से जैसा कि हम लोग मिरर में बनाए थे वैसे बना के हम चेक कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ले जाओ, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है इमेज कैसे चेंज हो रहा है उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये F, ये 2F, इधर भी F, 2F, रे है, रे को हम इधर से यहां तक लाए, जब यहां से यहां तक लाएंगे तो जो हमारा इमेज है वो इस फोकस से यहां से यहां तक आएगा, ठीक है। सेम चीज बना रहे हैं जो हम लोग मिरर के लिए देखे थे, तो कंफ्यूजन नहीं होना सर एफ चाहिए, डैश और 2f लिखते हैं ना सर, इधर वाला को, लेफ्ट साइड वाला को। लिख लो लिख लो, और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ टू एफ भी लिखो। यहां से अगर हम यहां तक जाएंगे तो ये 2F से इन्फिनिटी स्ट्रेट लाइन आता है, जस्ट इधर आएंगे तो ये इन्फिनिटी से, जैसे कि अगर हम यहां से यहां आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से यहाँ आएगा, और वर्चुअल के लिए इधर की तरफ ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। कलर से समझ जाना कि किस रीजन में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज किस रीजन में है, कैसा है, क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मिरर में ये चीज देखे थे, वही चीज यहाँ पे है, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। सर फोकस से ऑप्टिकल सेंटर में पैरेलल ही जाएगा ये वाला ये? yes, सर हम पैरेलल नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है इतने हाइट का, तो इससे अगर हम रे ले जा रहे हैं, यानी कि हम ये जो डायरेक्शन रे का नहीं दिखाए, हम रीजन दिखाए हैं, कितना ही हाइट का ऑब्जेक्ट हो हम यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 2f लाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है हाइट यही है उसका, लेकिन उसके इमेज जो बनेगा जब माइनस इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे पॉइंट साइज बनेगा, लेकिन जब ये 2f पे आएगा तो उसका भी हाइट हो जाएगा h, यानी कि उसका हाइट इस तरीके से वेरी कर रहा होगा। जब वो 2f और f के बीच में आएगा वही ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज जो है इधर की तरफ ऐसा वेरी करेगा, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये से समझिए। ठीक है। वो कोई रे नहीं है, हम वो रीजन दिखाएं कि h नॉट हाइट का अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, यानी कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन का, ये स्ट्रेट लाइन आता है यहाँ पे फिगर में, भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, स्ट्रेट लाइन आएगा इमेज मोशन, ठीक है। कलर रिस्पोंड, कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किस रीजन में है, तो उसका इमेज, करस्पोंडिंग इमेज किस रीजन में है, क्लियर है।
यस सर। समझ में आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग तुम चाहो तो कनकेव लेंस वाले के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? इसी के ऊपर बेसिस पे हम लोग चाहें तो कनकेव लेंस के लिए भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम होमवर्क दे देते हैं ड्रॉ करना, कनकेव लेंस, क्योंकि हम लोग दो मिरर के लिए देख लिए, एक लेंस के लिए देख लिए, तो कनकेव लेंस के लिए चेक करना है। हम लोग जानते हैं किसके लिए, रियल के केस में या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनता है, बाकी कहीं रहे तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, बाकी जो केसेस होंगे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ड्रॉ करना है, इधर एफ एस टू एफ एस लिख लो, एफ टू एफ, ठीक है? इसमें जनरली में अगर एफ डैश लगाया जाता है तो ये सेकेंडरी वाला आ रहा है, इधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके लिए ड्रॉ करना। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग पहले से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन, यानी कि हम जो है ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम अब लेंस फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, ठीक है? लेंस फॉर्मूला, ठीक है? हम लोग पहले से जानते हैं कि होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है? ये हम लोग जानते हैं 10th क्लास की नॉलेज से। देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक कोई लेंस है, लेट से कि हम कन्वेक्स ले रहे हैं, ऐसा लेंस है तो इसको हम दो सरफेसेस मान सकते हैं। ऐसा एक सरफेस ऐसा है कर्व्ड सरफेस, प्लस एक सरफेस ऐसा है, दोनों को हम चिपका दिए हैं इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। यानी कि इधर बाहर का सराउंडिंग है तो μs है, इधर भी μs है, और ये जो है वो μl है, यानी कि लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो इधर होगा μs, इधर होगा μl, यहाँ पे देखेंगे तो μl, इधर होगा μs। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो वैसे ही हम अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस हम यू ले रहे हैं, तो हम इस सरफेस के लिए अगर हम लिखें तो इससे जो इमेज बनेगा, ठीक है, इसके लिए जो इमेज होगा, इमेज हम बोल रहे हैं कि वो वी वन पे बन रहा है, वी वन पे बन रहा है। तो हम इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μl/v - μs/u इक्वल टू μl - μs/, इसका रेडियस हम आर वन है, इसका रेडियस आर टू, तो आर वन, ठीक है? इसके लिए अगर हम वैसे ही लिखें, यानी कि जो हम रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस वाला लिख रहे थे, तो इसके लिए जो इमेज था अब वो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फाइनल इमेज बनेगा कहाँ, μs/v पे माइनस μl/v1 है, v1 इक्वल टू क्या होगा, μs - μl/r2, ठीक है? ये दो इक्वेशन मिले, अगर हम इक्वेशन वन और टू को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन टू बोल रहे हैं, तो ऐड वन एंड, हमने क्या किया कि एक लेंस था उसको अलग अलग सरफेसेस ले लिया, दोनों सरफेसेस के लिए हम जो हमारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले पे हमने रख लिया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जा रहा है, हमको मिल क्या रहा है, μs/v - μs/u इक्वल टू राइट साइड में μl - μs/r1 प्लस
म्यू एस माइनस म्यू एल बाई आर टू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम साइन करके यहाँ बीच में माइनस ला दें तो वहां से हमको दिख रहा है म्यू एल माइनस म्यू एस को हम कॉमन ले सकते हैं और आ जाएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, तो ये हमको मिल जा रहा है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इसको बताएंगे इक्वल टू म्यू एस को इधर ला रहे हैं तो म्यू लेंस बाई म्यू एस माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। इसको अगर हम पहले जो पढ़े हैं उससे कंपेयर करें तो वन बाई एफ लिखते हैं, तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, वन बाई एफ इजकल टू म्यूएल बाई म्यू एस। म्यूएल क्या है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू एस क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। वन इसको बाई कोई आर लाइबनिट्ज़ वन का माइनस, फॉर्मूला बोलते हैं। हाँ ठीक है। अब टू एफ जो होगा आर के बराबर होगा, बोलो। नो सर, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या है, म्यूएल बाई म्यूएस माइनस वन एंड वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ध्यान रहे, म्यूएल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यूएस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एस, आर वन एंड आर टू। आर वन क्या है, तो इस फर्स्ट सरफेस यानी कि इधर से अगर रे आया है तो ये आर वन, इधर से रे आता तो ये आर टू लेते। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आर वन क्या है, तो फर्स्ट रिफ्रेक्टिव सरफेस का आर वन क्या है, फर्स्ट रिफ्रेक्शन सरफेस रेडियस, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रेक्शन जिधर से भी रे आए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा हमारा लेंस है, ये आर वन दे रखा है, ये आर टू दे रखा है, इधर से अगर रे आ रहा है तो फॉर्मूला में ये आर वन की जगह रहेगा, ये आर टू की जगह रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि आर वन क्या है, फर्स्ट रिफ्रेक्टिंग सरफेस का रेडियस, एंड आर टू जो होगा वो क्या है, सेकेंड रिफ्रेक्टिंग सरफेस रेडियस। सर हाँ सर हम लोग लेंस फॉर्मूला ना डिराइव कर रहे थे। ये लेंस फॉर्मूला ही तो आया, बस इस चीज को हम लोग क्या रख देते हैं, वन बाई एफ। तो वन बाई एफ जो आता है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही चीज है, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है हमको, यस सर देख, ठीक है। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पुट इसको वन बाई एफ को इतना पुट कर दिए, तो ये लेंस फॉर्मूला हो गया और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें जो कुछ भी रखना है साइन के साथ ही रखना है, आर वन आर टू भी यू सब साइन के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ फाइंड करना है फर्स्ट बाय कन्वेक्स लेंस, जल्दी जल्दी फाइंड करो। बाई कन्वेक्स लेंस यानी कि दोनों आर वन आर टू जो है, ये भी आर ये भी आर, आर और माइनस आर लेंगे ना। नहीं पड़े, मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं कि तो आर आर सराउंडिंग एयर ही मान रहे हैं हम, क्या रखेंगे म्यू माइनस वन, यहाँ ये आर है, ठीक है, इधर की तरफ है तो प्लस आर आ रहा है फर्स्ट
ये जो आर है इधर की तरफ है तो माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको दिख रहा है ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज करना है, साइन कन्वेंशन क्या है तो सेम एज मिरर, मिरर में जो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करे थे, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। इधर ये R1 है, इधर ये R2 है, यहां से अगर रखेंगे म्यू माइनस वन, R1 जो है निगेटिव है, R2 जो है वो पॉजिटिव है, माइनस वन बाई आर, आर आर ही है तो आर ही रहने देते। यहां से F जो आ रहा है यानी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ठीक है। ऐसे में अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड से निकाले राइट साइड से निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ का वैल्यू सेम ही आता है। फॉर्मूला कि कंकेव क्लियर सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यस सर क्लियर है। ठीक है फिर और क्या। इधर 2 रखते हैं, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, दोनों आर आर ही है, इसका फोकल लेंथ कितना आएगा? सो -2R ठीक है, यहाँ से आ जा रहा है कितना -24 2/R, तो F इक्वल टू आ जा रहा है -2R। माइनस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्स लेंस है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे म्यू एस जो है ग्रेटर देन म्यू एल है, यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग जो है ग्रेटर देन लेंस है, तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, एंड बिहेव डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का मीडियम जो है वो डेंसर है एज कंपेयर टू लेंस। वैसे ही अगर हम कनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग ऐसे होता है क्योंकि हम लोग एयर की ही बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे मीडियम में रख दें कि उसका सराउंडिंग जो हो वो डेंसर हो एज कंपेयर टू लेंस, तो फिर कन्वर्जिंग बिहेव करने लगता है। ठीक है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये ऐसा हमारे पास लेंस है, अगर पैरेलल रे आ रहा तो इधर की तरफ जाएगा, फोकस जो होगा ये जो है एफ है,
जो कि 2r के बराबर है, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही जो हमारा क्या करते हैं फॉर्मूला है 1/v-1/u इक्वल टू 1/f, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और उससे पहले हम लोग कर्व बनाएंगे वही 1/v versus 1/u, v versus u, जो कि हम लोग मिरर में किए थे वही काम फिर से लेंस में हम लोग को करना है। तो इसलिए जो रे डायग्राम हम बोले उसको अच्छे से एक बार बना लेना है, नेचर कैसा क्या फॉर्म कर रहा है उसको चेक कर लेना है, बना रहे हुए माइंड में रहेगा तो ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू।